पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी काफी गदगद है, वहीं विपक्षी खेमे में मायूसी छाई हुई है। इस बीच पीएम मोदी फ्रंट फुट से विरोधियों के छक्के छुड़ा रहे हैं। हार के गम में डूबे विपक्ष की कमजोर नस पर पीएम मोदी ने तगड़ा प्रहार किया है। दरअसल इस बार के चुनाव में पीएम मोदी ने विरोधियों पर परिवारवाद को लेकर जमकर हमला बोला था। पीएम के निशाने पर अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी दोनों रहे। वहीं एक बार फिर पीएम ने परिवारवाद पर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस चुनाव में बीजेपी नेताओं के बच्चों के टिकट कटे तो सिर्फ मेरी वजह से। उन्होंने कहा कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दरअसल चार राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली में पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। पीएम मोदी ने इस दौरान बीजेपी नेताओं को लेकर कहा कि पार्टी में पारिवारिक राजनीति की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी पार्टियों के वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म की भी जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनती रहनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे फिल्म से सच सामने आता है। फिल्म में जो दिखाया गया है कश्मीर के उस सच को दबाने की कोशिश की जाती रही है। परिवारवाद और फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बहाने पीएम मोदी ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को निशाने पर लिया है। इसके अलावा बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी पर भी बड़ा बयान दिया। इससे पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा में विधायक दल के नेताओं के चुनाव के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर और को ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। वहीं बीजेपी अब मिशन गुजरात की तैयारियों में जुट गई है। वहीं पांच में से चार राज्यों में जीत पर 10 मार्च की शाम को ही दिल्ली बीजेपी कार्यालय में बड़ा जश्न मनाया गया था। उस दौरान मोदी ने कहा था, आज हमारे कार्यकर्ताओं ने जीत का चौका लगाया है। माना जा रहा है कि मोदी ने वंशवाद पर इसलिए भी हमला बोला है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक बार फिर गांधी परिवार ही हावी रहा। कांग्रेस की करारी हार के बाद भी न तो सोनिया गांधी का इस्तीफा हुआ और न ही प्रियंका गांधी वाड्रा का इस्तीफा हुआ। लिहाजा मोदी ने एक बार फिर वंशवाद पर कड़ा प्रहार बोलकर साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी का नामो निशान आने वाले दिनों में मिटाकर ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।